बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट सारे का। सो ऑस्ट्रेलिया दे फैब इनटेक की अज गल करांगे कि प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलिया फैब इनटेक लई तुहानू फाइल लगा देनी चाहिए है या हजे वेट करना चाहिए। अज दे साडे गैसट ने सीनियर कंसल्टेंट वीना गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, सत श्री अकाल सारे। सो वीना जी, प्रेजेंटली वीज़ा सक्सैस का ट्रेंड किदां दा चल रहा है, तो फैब इनटेक वास्ते थोड़ी की सलाह है स्टूडेंट्स नू? दीपक जी, जो स्टूडेंट फैब इनटेक की फाइल लगाना चाहता है, जो उहदे कोल सीओई है तो वह इमीडिएट लगा सकता फाइल। लेकिन जो सीओई नहीं है, जीटी स्टेज पे केस है, क्योंकि बहुत सारे केस साडे कोल आ रहे हैं जिहड़े कह रहे कि जीटी क्लीयर नहीं हुई है। जब जीटी नहीं क्लीयर हुई है तो वह गैप पाउण दी जगह जो कॉलेज तो उन्होंने सीओई मिल रही है तो कॉलेज तो ही लैके लगा देन, बट अपना टाइम ना खराब करन। यूनिवर्सिटियां पंजाब और हरियाणा नू लैके थोड़ी जी स्ट्रिक्ट हुई हुई हैं इस टाइम, तो जो उन्होंने को प्रॉब्लम आ रही या जिहड़ी भी यूनिवर्सिटी उन्होंने दे रही है। तुसी कई बार असी देखा स्टूडेंट कहता मैं तो मेलबर्न ही जाना, मेलबर्न की जो कोई यूनिवर्सिटी एक्सैप्ट नहीं कर रही तो कोई होर यूनिवर्सिटी स्टेट की एक्सैप्ट कर रही है, तुसी उत्थे लैके अपना वीज़ा लगवा लो। हुण रूल भी चेंज हो चुके हैं कि तुसी फस्ट सिक्स मंथ यू कैन नॉट चेंज योर कोर्स एज वैल, ये तुसी बड़े ध्यान नाल देखना। बट जे जानते चाहवान हो तो उस तो बैटर है कि जरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब टाइम एक बार वेस्ट करता फिर तो शायद वीज़ा भी ना मिले। सो ऑफर लैटर एक तो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज तो मंगानी चाहिए है? बिल्कुल जी, ऑफर लैटर अजकल जी टी क्लीयर नहीं होंगी तो तीन यूनिवर्सिटिया से थोड़ी चलनी चाहिए है, फिर ही जाके तुम्हें पता चलता है कि कोई जब मान लो दो यूनिवर्सिटिया ने नहीं दिते तो एटलीस्ट किसी थर्ड यूनिवर्सिटी ने तो देता तो फाइल तो लगा सकते हो ना। सो स्टूडेंट्स, फैब इनटेक नू लैके कोई भी सवाल है तुसी कॉल कर सकते हो, स्क्रीन दे उपर नंबर डिस्प्ले हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।